नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी में लिखे गए शब्दों का उच्चारण और उसका अर्थ देखिए तो शब्दार्थ हम देखते हैं शब्दों का इंग्लिश और हिंदी में, और इसका उच्चारण हम देखते हैं बोर्ड, बी ओ ए आर डी, बोर्ड। बोर्ड अर्थात श्यामपट होता है, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड कहते हैं, और यहाँ बोर्ड लिखा गया है इसलिए इसका उच्चारण श्यामपट, बोर्ड। बी ए डबल एल बॉल, बी ए डबल एल बॉल, बॉल अर्थात गेंद। फिश, एफ आई एस एच, फिश, फिश अर्थात मछली। फिश, एफ आई एस एच, फिश, फिश अर्थात मछली। डक, डी यू सी के डक, डक बत्तख। टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल, टेबल अर्थात मेज। नोटबुक, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, नोटबुक अर्थात कॉपी जिसमें हम ले। नोटबुक, एन ओ टी ई बी डबल ओ के, नोटबुक, नोटबुक अर्थात कॉपी या जिसे लेखन वही भी कहते हैं। सन, एस यू एन सन, सन अर्थात सूर्य या सूरज। रोज, आर ओ एस ई, रोज अर्थात गुलाब या गुलाब का फूल जो होता है, गुलाब के फूल को अंग्रेजी में रोज कहते हैं। टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर, टाइगर अर्थात बाघ। एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट अर्थात हाथी। बोट, बी ओ ए टी बोट, बोट अर्थात नाव या डोंगी भी कहते हैं। पेंसिल, पी ई एन सी आई एल ई, पेंसिल अर्थात लिखने वाली पेंसिल। वाल, डब्ल्यू ए डबल एल वाल, वाल अर्थात दीवार। वाच, डब्ल्यू ए टी सी एच वाच, वाच अर्थात घड़ी, कलाई में जो बांधते हैं घड़ी को, हाथ में या कलाई में बांधने वाली घड़ी को वाच कहते हैं। वायलिन, वी आई ओ एल आई एन, वायलिन, वायलिन अर्थात वायलिन। फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, एफ एफ ओ एक्स फॉक्स, फॉक्स अर्थात लोमड़ी, लोमड़ी ये जंगली पशु है। बी ओ एक्स बॉक्स, बॉक्स अर्थात खोखा। यान, Y A W N यान, यान अर्थात जम्हाई, जो हम नींद हमें जब आती है तो नींद आती है तो हमें जम्हाई हम लेते हैं, उसी को अंग्रेजी में यान कहते हैं। Y A W N व्यान, यान अर्थात जम्हाई। योक, Y O K योक अर्थात जुआ या जुआठा, जिसमें बैलों को क्या है, जोता जाता है, बैलों के गले में जो लगाया जाता है उसे जुआ कहते हैं, अंग्रेजी में योक कहते हैं। वायो के योक, योक आने जुआ, या इसे जुआठा भी कहते हैं, लकड़ी का बना रहता है। जिब्रा, जेड ई बी आर ए, जिब्रा, जिब्रा अर्थात जेब्रा, ये जंगली पशु है। सेड, एस एच ए डी, सेड अर्थात छाया, एस एच ए डी सैड, सैड अर्थात छाया। काइंड, के आई एन डी काइंड, काइंड अर्थात दयालु या सहृदय। पीपल, पी ई पी, पी ई ओ पी एल ई, पी ई ओ पी एल ई, पीपल अर्थात लोग। थ्रू, टी एच आर ओ यू जी एच,
थ्रू थ्रू अर्थात होकर, से होकर, फॉर माई सेल्फ अर्थात स्वयं मेरे लिए, यूज अर्थात यू एस ई, यूज अर्थात उपयोग में आना, यूज अर्थात उपयोग में आना। तो इस तरह से आप इन दिए गए अंग्रेजी शब्दों का हिंदी उच्चारण और उसका हिंदी में अर्थ इस वीडियो के माध्यम से इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और इसे कंठस्थ करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद सभी को।